हिंद दोस्तों, मैं हिमांशु आपके चैनल में स्वागत करता हूं और मैं फिर से उपस्थित हूं आप लोगों के समक्ष नई जानकारी के साथ। जो जी हां, मैं बात कर रहा हूं, आज मैं अपनी मीट में फिर से यूपीएसआई और जो न्यू कॉन्स्टेबल भर्ती निकलने वाली है 2023 के, उनके संबंध में मैं बात करना चाहूँ। उससे पहले मैं उन दोस्तों से सभी से बोलना चाहूंगा कि जो भी हमारे चैनल पर विजिट करते, प्लीज वीडियो को पूरा देखा करें अंत तक, ताकि आपको सही ऑथेंटिक जानकारी ही प्राप्त हो। और दूसरी, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करके लाइक जरूर किया करें, ताकि आप हमसे जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को सही ऑथेंटिक जानकारी प्राप्त हो सके। चलिए, बिना वक्त गवाए मैं सीधे वीडियो पर आता हूँ, न्यूज़ पर आता हूँ। देखो, मैं बता दूँ, पिछली वीडियो मैंने जो आपको बताया था कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 की जो वैकेंसी आने वाली थी, वो लगातार आपको पता है दिन डिले होते जा रहे हैं, यानी कि आगे बढ़ती चली है। ऐसे जो यूपीएसआई जो न्यू वैकेंसी आने वाली थी, उनमें भी लगातार डिले हो रहा है। न्यूज किसी को आप लोग भ्रमित हो रहे हैं, ना सही से निकल के आ पा रही, ना सही से पता चल। तो दोनों मुद्दों पे मैं आज चर्चा करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं कांस्टेबल के बारे में बात बता दूं कि लगातार सुर्खियों में आ रहे हैं कि कहीं आपके 45,000 भर्ती निकलते हैं, कभी 52, कभी 62, ये लगातार कहीं घट रहे हैं, कहीं बढ़ रहे हैं, ऐसे ही चल रहा है। लेकिन क्यों नहीं आ पा रही, उसका जरा रीजन समझिए। देखिए, ये तो आप मान लीजिए कि भर्ती हमेशा चुनावी मुद्दों को देखती ही आती है, यानी कि भर्ती, यानी कि देखा जाए यूपी में अधिकांश पुलिस कर्मियों की जो पद हैं खाली पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि कुछ कांस्टेबल या पुलिस कर्मी अन्य वैकेंसी में चले गए, अन्य भर्ती में चले गए, और कुछ हैं जो मतलब लगातार ऐसा ही चल रहा है। कुछ जो कांस्टेबल थे वो एसआई में, उनका सिलेक्शन होने पर एसआई में चले गए, तो लगातार पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी खाली पड़ी है। इसी बीच जो प्लाटून कमांडो, उनकी भी वैकेंसी, मतलब हर तरीके से देखा यूपी में पुलिस की बहुत ज्यादा कमी हो रही है। इसीलिए शायद लाइन ऑर्डर और जो आपका जो एक संतुलन नहीं बैठ पा रहा है, लगातार क्राइम हो रहे हैं क्योंकि पुलिस की लगातार कमी हो रही है। चलिए, तो क्या है कि देखो, मैं बता दूं आपको, 15 तारीख को टेंडर जारी होने वाले थे, यानी कि टेंडर जो भर्ती बोर्ड की तरफ से सुर्खी निकली कि 15 अगस्त, सॉरी जुलाई को आपको बता दूं कि सरकार की तरफ से घोषणा की जानी थी और टेंडर जारी होना था, लेकिन इन्हीं कारणों बस सरकार की व्यस्तता की वजह से, भर्ती बोर्ड की व्यस्तता की वजह से टेंडर नहीं दिया जा रहा। क्योंकि देखा जाए तो अभी भी टेंडर का भी मसला बना हुआ है कि टेंडर किसको दिया जाए, एनएसआईटी कंपनी जो भ्रष्ट है पहले से उसको ही दिया जाए, या अन्य कंपनी दिया जाए जो अच्छे से एग्जाम करवा सके। क्योंकि ये साल है जो चुनावी साल है, और इसमें जरा सी भी गलती, जरा सी भी कमी सरकार को भारी नुकसान दे सकती है। इसलिए बहुत सोच समझ के सरकार फैसला ले रही है, यानी कि किसको क्या टेंडर दिया जाए, क्या कैसे होना। चलिए, दूसरी मैं बात बता दूं कि यूपीएसआई की भी जो 2023 की भर्ती निकलने वाली थी, वो उसमें भी यही मसला चल रहा है, क्योंकि वो ऑनलाइन कभी मतलब वैसा अभी तक तो कुछ टाइम से 2016 का भी ऑनलाइन पेपर हुआ था, 2021 वाला भी ऑनलाइन पेपर हुआ था, तो जहां तक है इस साल भी ऑनलाइन ही पेपर करवाया जाएगा, तो उसके संबंध में भी बात चल रही है कि कितने निकालने कितने। तो देखो, मैं आपको क्यों बता दूं, लगातार पिछले आप 2 साल से देख रहे हैं कि कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है, लेकिन धीमे दिन पर दिन बढ़ते बढ़ते 2 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक आपको नोटिफिकेशन नहीं दे रही। लगातार डेट से डेट मिलती जा रही है और आपको निराशा ही देखने पर। जो भाई बहन हमारे तैयारी करे बैठे हैं, वो बस इसी आस में कैसे भी उनको कांस्टेबल की भर्ती देखने मिले, वो अपने फॉर्म डाल के एक अपनी सरकारी नौकरी पुलिस महकमे में अपनी एक सीट पक्की कर सकें, लेकिन लगातार आपको आश्वासन नहीं मिल रहा है, ये बात सच है। लेकिन आज मैं आपको बता दूं, भर्ती जरूर ही आपको चुनाव से पहले ही देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि चुनावी साल है, सरकार खुद चाहती है कि सरकार इसलिए और डिले कर रही है कि जितना आप चुनाव के नजदीक आ जाएं उतना उनके लिए फायदेमंद हो। अगर आप ये सोचते हैं कि कोई भी सरकार या कुछ भी आप लोगों के अपने स्टूडेंट के लिए या जन के लिए कुछ सुविधा सोचते, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो अपना केवल फायदा देखती है। तो इसी को मद्देनजर वो इसको चुनावी मुद्दा यानी कि चुनावी भर्ती बनाना चाहती है। तो लेकिन हाँ, ये बात मैं कह सकता हूँ, भर्ती जरूर आएगी। अब ये क्या है कि तुम्हें बता दो, अभी तक तो तय कि जुलाई सेकंड वीक में आएगी, फिर जुलाई पूरी निकलने को, अब अगस्त की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको, मैं संभवतः मैं फिर एक तरीके से, हर तरीके से मैं कहता हूँ कि सितंबर माह में आपको नोटिफिकेशन जरूर देखने को मिल जाएगा, यानी कि सितंबर में ओपनिंग डेट हो जाएगी, क्योंकि उनके पास फिर वक्त भी होगा उनको टेस्ट कंडक्ट करवाने के लिए। अब अगर एक चीज मानिए, अगर जुलाई या फिर ये मानिए सितंबर में अगर वो फॉर्म फिलअप करवाते हैं, तो फॉर्म फिलअप होने में ही कम से कम 1 महीना लगता है, यानी कि 1 महीना यानी कि अक्टूबर तक, तो अक्टूबर या सितंबर लास्ट या अक्टूबर तक फॉर्म ही फिलअप होंगे, फिर
फिर उसके बाद लगभग 2 महीने वो तो आपको तैयारी के लिए देंगे ही देंगे। तो अक्टूबर से 2 महीने यानी कि दिसंबर में आपको वो दिसंबर में आपको एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। आप दिसंबर के बाद ये मानिए 2 महीने रनिंग के लिए तो देती हैं, तो क्या जनवरी फरवरी में अगर रनिंग करवाएंगे तो उनके पास फिर भाई कब, तब तब तक आचार संहिता लग जाएगी, कब रिजल्ट देंगे क्या। तो इसलिए वो आपको ये मानिए कि सितंबर तक तो हर हालत में वो आपको वैकेंसी दे ही देंगे, क्योंकि उनको भी भाई बोर्ड लेना है, उनको भी आप लोगों को बोर्ड चाहिए, आप लोगों के साथ चाहिए, तो वर्दी तो वो देंगे ही देंगे। क्योंकि देखा जाए यूपी में पुलिस से जुड़ा इतना युवा है जिसकी ये यूपी में 2 ही भर्ती हैं जो सबसे ज्यादा आती है, एक शिक्षक भर्ती प्राइमरी में और दूसरी पुलिस कांस्टेबल, यानी पुलिस में सबसे ज्यादा वैकेंसी इन्हीं दो डिपार्टमेंट में निकलते हैं। तो सबसे ज्यादा वोट भी तो इन्हीं का ही होगा, और नया युवा हमेशा वोट उसी को देता है जिससे उसको फायदा मिलता है। चलिए ये तो बात थी पुलिस कांस्टेबल की, अब बात करते हैं यूपीएसआई की। तो यूपीएसआई की भी यही सारे मुद्दे हैं, उनका भी टेंडर का भी इशू बना हुआ है, कब टेंडर किस कंपनी को दिया, क्योंकि अभी तक जो एनएसआईटी कंपनी को दिया जाता है वो लगातार भ्रष्ट हो रही है, और काफी मसले मुद्दे चल रहे हैं, कोर्ट केस भी चल रहे हैं भले ही। तो वो उनको देखकर भी, उनको भी मद्देनजर देखते हुए भी अगला टेंडर किसको देना है या फिर ऑनलाइन करवानी है, लेकिन कहीं ना कहीं खबर निकल गई शायद इस बार एसआई का भी पेपर वो जो है जो आपको ऑफलाइन करवाने को मिल जाए, शायद कुछ ऐसा सुनने में, लेकिन अभी क्लियर कोई ऑथेंटिक ऑफिशियल न्यूज नहीं है। लेकिन उनका भी मैं बता दूं लगभग 5,000 से प्लस में ना हमको हमेशा आपको बताया था कि वैकेंसी आएंगी और लगातार आएंगी, ठीक है, मतलब 5,000 प्लस ही वैकेंसी आपको देख रही, ठीक है। ये तो थी वो, अब मैं बात करता हूँ जो यूपी पुलिस एसआई की 2021 की 9,534 पदों पर जो आपका कोर्ट केस लगा हुआ था जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है। तो जैसे ही अभी आपको पता है कि नोटिस दिया गया है, नोटिस पहुंच चुका है, अब क्या काउंटर एफिडेविट क्या, तो अगली जो सुनवाई है आपको मैं बता दूं कि अगस्त माह में कहीं ना कहीं आपको लग सकती है। अब अगस्त माह में भी इतनी सारी छुट्टियां पड़ रही हैं, इतने बार कोर्ट केस मतलब कोर्ट बंद हुए हैं, तो मिड अगस्त में हो सकता है कि आपको कोई डेट सुनवाई देखने को मिल जाए। अब ये डिपेंड करेगा वकील के ऊपर भी, ये सब के ऊपर भी। लेकिन इसके साथ मैं न्यू वैकेंसी के बारे में बात करूंगा। अगर न्यू वैकेंसी के बारे में देखो मैं आप लोगों से कहूंगा भाई भर्ती आपको लेनी है तो आपको भी शोरगोल आपको भी करना पड़ेगा, हो सके जितना आवाज उठाइए कि जल्दी से जल्दी मुझे भर्ती दीजिए और जल्दी से जल्दी मेरा एग्जाम करवाइए, यानी कि जितना आप जोर शोर से शोर कर लेंगे उतना ही जल्दी आपको वैकेंसी को देखने मिल गई है, चाहे ये आप कोई भी भर्ती हो, चाहे शिक्षक भर्ती हो, चाहे यूपी पुलिस की कांस्टेबल की भर्ती हो। तो ये तो था मुद्दा। अब मैं बोलना चाहूंगा कि जो भी हमारे चैनल पर जुड़े प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि मैं जल्दी जैसे ही आपके नोटिफिकेशन आ जाएगा उसी दिन से मैं अपने चैनल पे यूपी पुलिस कांस्टेबल की वीडियो डालना स्टार्ट कर दूंगा, ताकि जो आने वाले हैं क्वेश्चंस जो आपको प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा जो वो क्वेश्चन करवाऊंगा, मतलब एकदम एकदम फिक्स क्वेश्चन वही करवाऊंगा जो आपके एक्यूरेट उसमें मिलते जुलते आ सकते हैं, यानी कि जिस तरीके से पैटर्न आता है, जिस तरीके एडवांस पैटर्न बनेगा, जिस तरीके क्वेश्चन बन सकते हैं, एक निचोड़ निकाल के उनको मैं आपको दूंगा। अगर आप उन प्रैक्टिस सेट को और उन्हीं क्वेश्चन को पढ़ के जाएंगे तो 100% मैं बता दूंगा आपका सिलेक्शन होना पक्का है। इसी तरीके से मैं यूपीएसआई के लिए अपने खुद के नोट्स बनाए हुए हैं, आईपीसी सीआरपीसी मूल विधि और कॉन्स्टिट्यूशन और जीएस वगैरह इनके कोर्स के नोट्स बनाए हुए हैं, रीजनिंग वगैरह तो मैं खुद ही पढ़ाता हूँ, तो उनकी भी नोट्स मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको जरूर दूंगा। तो जो भी हमारे चैनल पर प्लीज चैनल से जुड़ के सब्सक्राइब जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जैसे ही मेरे पास कोई अगली जानकारी ऑथेंटिक जानकारी मिलती है मैं आपको सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से दूंगा। नमस्कार।